एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम टू अमूल लैंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमूल लैंड। आज का जो रेसिपी है वो है फालसी मावा केक। बहुत ही ज़्यादा यमी मावा केक बना रही हूँ मैं आज, और काफ़ी फेमस है, सब बहुत लोगों को पसंद है वो, तो मैं आज वही रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। गुड इवनिंग, वेलकम टू अमूल लैब। बेस्ट पार्ट ये है फालसी मावा केक कि आज जो मैं केक बना रही हूँ वो मैं होल व्हीट फ्लावर से और सूजी से बना रही हूँ, तो इसमें मैं कहीं भी मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ, और ड्राई फ्रूट्स, केसर, मिल्क, ये सब मैं यूज़ कर रही हूँ आज। ठीक है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज का। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अमूल लैब। आज का रेसिपी है फालसी मावा केक। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अमूल लैब। आज का जो रेसिपी है वो फालसी मावा केक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट शो कर देती हूँ। ठीक है, तो आज के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये है होल व्हीट फ्लावर जो मैंने 1/4 कप लिया हुआ है। आप क्वांटिटी डबल, 3 times अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको 1/4 कप से बता रही हूँ। 1/4 कप मैंने ये होल व्हीट फ्लावर लिया हुआ है। देन मैंने 2 tablespoons शुगर लिया हुआ है, पाउडर शुगर। देन मैंने 1/8 कप जो रवा आता है जो उसको मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं रवा, ये जो रवा आता है जो बाहर मिल रहा है वो मैंने लिया हुआ है। उसके बाद है 1/8 कप मिल्क है, वो मैंने अमूल मिल्क लिया हुआ है। 1/8 कप मैंने मावा बनाया है, वो भी मैंने अमूलिया से ही बनाया है, अमूलिया मिल्क पाउडर से। अगेन मैंने अमूल का कर्ड लिया हुआ है, वो भी है 1/8 कप। और अगेन मैंने ऑयल लिया हुआ है, वो भी 2 tablespoons। ठीक है, तो आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी सीव करके रखा है होल व्हीट फ्लावर, तो मैं होल व्हीट फ्लावर ले रही हूँ। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक बोल में ले लेते हैं। ठीक है, सूजी ले लेती हूँ। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लिया हुआ है मैंने। बेकिंग पाउडर ले रही हूँ मैं 1/4 teaspoon, सॉरी 1/2 teaspoon। हाफ टी स्पून लिया हुआ है बेकिंग पाउडर और 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा। ठीक है, सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आज की जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो मैं अमूल के प्रोडक्ट्स यूज करके बना रही हूँ। इसमें मैंने अमूल का मिल्क लिया है, अमूल का कर्ड लिया हुआ है, और अमूलिया का मिल्क पाउडर जो आता है, अमूल का मिल्क पाउडर, अमूलिया, वो उससे मैंने मावा बनाया है, होममेड मावा है।
आप चाहें तो रेडी अमूल का मावा भी मिल रहा है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं मिल्क लूँगी, मैंने ऑलरेडी इसमें केसर डिजोल्व करके रखा है, थोड़ा सा वॉर्म मिल्क करके केसर मैंने डिजोल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक अच्छा सा कलर आ गया है। ठीक है, तो मैंने इसी में केसर को डिजोल्व किया था, इसी में मैंने थोड़े ये आलमंड्स भी डाल दिए चॉप करके, अगेन कर्ड ले रही हूँ मैं, मावा ले रही हूँ। मेन जो स्टार इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट है वो मावा है। ठीक है, और ये पाउडर शुगर है 2 टेबलस्पून। ये घर की नॉर्मल जो शुगर आती है, जो ग्रैनुलेटेड शुगर आती है, उसी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। अब जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उसमें कुछ मैंने ये नट्स लिए हैं, वो मैं ऑलरेडी मैं डाली हूँ, लेकिन थोड़े और डाल दूंगी, थोड़े ऊपर हम लोग उसको थोड़े ऊपर उसके ऊपर डालेंगे जब वो बेक करने के लिए रखेंगे तब। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए सबको। अब मैं वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, केसर पिस्ता जो केसर का जो कलर आता है, आप थोड़ा सा येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो। मेक श्योर अगर आप कलर यूज़ कर रहे हैं तो एक अच्छी सी ब्रांड का कलर यूज़ कीजिए। कोई भी बेकरी शॉप में आपको कलर मिल जाएगा। थोड़ा सा मिल्क मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा मिल्क डालू, हाँ सॉरी ऑयल में रख दिया, उसी को मेरे को वेट इंग्रेडिएंट में डालना था, सॉरी मैं भूल गई। ठीक है, अच्छे से बाइंडिंग आ गया है, आप देख सकते हैं। और हाफ टी स्पून जितना मैंने डाला है, करीबन 1 टीस्पून जितना आपको मिल्क लगेगा। ठीक है, अब उसको मैं पोर कर दूंगी, मैंने ऑलरेडी लाइन करके रखा है मेरा टिन। जब नट्स डालते हैं तो उसको होल व्हीट फ्लावर के ड्राई मिक्सचर में डालेगा, जिससे क्या होगा बेकिंग करने के बाद वो नीचे सेटल नहीं हो जाएगा। ठीक है, मैं मेरा ओवन प्री हीट कर देती हूँ 5 मिनट्स के लिए। मैंने ओवन प्री हीट कर दिया है 5 मिनट्स के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे
बोथ द रॉड्स ऑन। अगर फैन मोड है और आपके पास अवेलेबल तो फैन को भी आप ऑन रखिए, ठीक है। बोथ द रॉड्स ऑन 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी ये लाइन करके रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा टी टाइम केक का मोल्ड है। आप देख सकते हैं मैंने उसको पार्चमेंट पेपर से लाइन करके रखा है, ठीक है। कुकर में बेक करना चाहते हैं, सपोज आपके पास ओटीजी अवेलेबल नहीं है तो आप कुकर में भी उसको बेक कर सकते हैं। तो कुकर मेक श्योर आप जो कुकर ले रहे हैं वो थोड़ा वाइड लीजिएगा, बहुत छोटा सा कुकर मत लीजिएगा, थोड़ा वाइड कुकर लीजिएगा जिसको आप रिंग और उसका विसल रिमूव कर दीजिएगा। सबसे पहले कुकर के अंदर आपको नीचे रेत बिछानी है और उसके बाद एक छोटा सा स्टैंड मटकी का जो रिंग मोल्ड आता है वो आप प्लेस कर दीजिए और उसको मीडियम हीट पे उसको लिड क्लोज करके मेक श्योर आप रिंग और विसल रिमूव कर दें, उसको प्री हीट करिए। इसी तरह जैसे मैंने ओवन अभी 5 मिनट्स के लिए किया हुआ है वैसे आप मीडियम नॉब पे आप उसको 5 मिनट्स के लिए कुकर को हीट कीजिए। उसके बाद ये सेम लाइन आपको उस पर प्लेस कर देना है, जैसे ओटीजी वर्क करता है वैसे ही वो आपका बन जाएगा ओटीजी, ठीक है। तो आपके पास अगर ओटीजी नहीं है तो आप कुकर में भी इसको बेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं आप मैंने ऑलरेडी मैंने बैटर को रख दिया है। अब उसके ऊपर मैं थोड़े से नट्स डालूंगी जिसमें मैंने कैशियोज और आलमंड लिए हुए हैं। आप चाहें तो वॉलनट्स भी ले सकते हैं, फिर आप ये भी ले सकते हैं, पीकेंस ले सकते हैं, पिस्ताचियो ले सकते हैं, आपको जो भी नट्स पसंद है आप ले सकते हैं, ठीक है। थोड़े से रोज पेटल्स में डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए, उससे लुक बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आपका केक। अगर आप चाहें तो रोज एसेंस भी डाल सकते हैं, मेरे घर में एसेंस पसंद नहीं है तो मैं अभी फिलहाल एसेंस नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो रोज एसेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बेक करने के लिए रखूंगी 15 मिनट्स के लिए। मेरा बैटर का क्वांटिटी छोटा है, मतलब कम है इसलिए, और मेरा ओटीजी भी छोटा है तो जल्दी से बेक हो जाएगा। सपोज आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको आपको 20 to 25 मिनट्स आपको बेक करना है, ठीक है। तो मैं अभी उसको बेक करने के लिए रख के आती हूँ। अभी 12 टू 15 मिनट्स लगेंगे बेक होते हुए, ठीक है। किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सिंपल रेसिपी है पारसी मावा केक, घर पे भी आप होममेड मावा अमूल मिल्क पाउडर से बना सकते हैं। सपोज अगर आपको बनाना नहीं है तो आप रेडी अमूल का भी मावा अवेलेबल है मार्केट में तो वो भी आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो उसको डबल 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। और जो मैंने नट्स यूज़ किए हैं वो अपनी चॉइस का आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी नट्स पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। पिस्ताचियो है, पीकेंस है, ठीक है, वॉलनट्स है। अभी मैंने कैश्यू नट्स और आलमंड्स को यूज़ किया हुआ है और रोज़ पेटल से थोड़ा गार्निश किया हुआ है। मेक श्योर आप रोज़ पेटल उसमें डालें, उससे लुक वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये मेरे ड्राइड रोज पेटल है,
रेडीली मार्केट में अवेलेबल है, ये कोई भी बेकरी शॉप में मिल जाएगा। सपोज नहीं मिल रहा है तो आप अमेजोन पे भी सर्च कर सकते हैं, अमेजोन पे भी वो इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का रेसिपी, अगर किसी को कुछ डाउट है, मैंने अमूल के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए, जिसमें मैंने अमूल का कर्ड, अमूल का मिल्क और अमूल का मिल्क पाउडर से मावा बनाया है, पारसी मावा केक। तो मावा जो है वो स्टार इंग्रेडिएंट्स है, तो मेक श्योर अगर आप बना रहे हो तो मावा आप अमूल का ही यूज़ कीजिए, अच्छी ब्रांड है। ठीक है, उससे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। आज का रेसिपी बेक होते हुए मुझे 15 मिनट्स लगेगा मेरे ओवन में। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब डबल बना रहे हैं, तो 22-25 मिनट्स लगेगा। बोथ द रॉड्स ऑन 160 डिग्री सेंटीग्रेड, पैन मोड ऑन। ठीक है, तो आज का रेसिपी ओवर करते हैं। Thank you so much Amul for inviting me to showcase my recipe. Thank you viewers for joining. I hope आज का recipe भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी festival आ रहे हैं तो आप surely उसको बना सकते हैं। अभी recipe आ रहे हैं तो आप वो में भी लगा सकते हैं। ठीक है? तो आज का recipe over live over करते हैं।